हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज संडे है और आज हम लोग 6:30 से उठे हुए हैं, मैं और अजमा, क्योंकि अजमा प्रैक्टिस कर रही है अपने, आज उसका एग्ज़ाम है कराटे का। तो आज उसको मतलब उसका जो बेल्ट का एग्ज़ाम होता है वो है, तो अजमा येलो बेल्ट है, तो वो अभी प्रमोशन होकर मतलब L01 या फिर L02 ऐसा कुछ तो चल रहा है उनका, वो एग्ज़ाम है। तो अजमा को प्रैक्टिस करना था, इस वजह से वो जल्दी उठी है। और ऐसा मेरा मतलब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने वाला दिन था, मुझे भी उठना पड़ा। और मेरा ऐसा है कि मैंने ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा डिले कर लिए हैं, मेरा कल का ब्लॉग भी मैंने नहीं डाला हुआ। अब मुझे एडिट भी करना है, साथ में अजमा के लिए दूध तैयार करना है और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि बनने वाला है पराठा। तो आलू के पराठे जब भी बनाती हूँ तो आटे को गूंद कर रखना पड़ता है, थोड़ा सा भीगेगा तो अच्छे से बन जाएंगे। तो सोचा कि चलो उठ ले दें। और रात में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी मतलब काम करने के लायक नहीं बची थी, बट फिर भी मैंने अपने काउंटर टॉप को, जो मेरा सैटरडे का रूटीन होता है ना, वो मैंने शाम की चाय के बाद कर लिया था। आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, मतलब ये इस वाले को भी मैंने निकाल कर, मतलब ये जो चम्मच वाला स्टैंड है उसको भी निकाल कर मैंने कल धो दिया था। काफ़ी गंदा लग रहा था, बहुत दिन से देख रही थी बट कर नहीं पा रही थी, तो फाइनली उसको भी मैंने निकाल कर धो दिया। बस रात के बर्तन नहीं धो पाई हूँ, मैंने अपने जो बर्तन है वो नहीं धोए रात के, बस क्लीन करके सो गई सारे काउंटर टॉप को। और बर्तन में जैसे सैटरडे के दिन रात में धुल लेती हूँ, तो इस वजह से मतलब संडे का काम मुझे अकेले क्यों करना पड़ता है, तो इस वजह से सारा काम मैं करके सोती हूँ रात में, बर्तन वगैरह धोकर। बट वो काम नहीं कर पाई, अब मैं कर लूँगी और साथ में सारा जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है वो कर लेंगे, और साथ में अजमा वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है, सूख जाए तो चलिए अजमा क्या कर देखते हैं। जो कर रही कि नहीं क्या देखा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा ने उत्ते के साथ ही अल्फा को बाहर नहीं छोड़ा था उसके बास्केट में, तो मैंने उसको कहा कि काफ़ी देर हो गई थी, बास्केट में वो खुद ही चला जाता है जब हम उसका पिंजरा खोल देते हैं अगर उसको जाना होगा तो। फिर यहाँ पर गया और थोड़ी बहुत मस्ती भी चालू हो जाती है उसकी जब उसका सब काम ख़त्म हो जाता है, तो बस अजमा उसको डांट के अंदर छोड़ रही थी, बहुत मस्ती करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो ऑथेंटिक स्टाइल या फिर परफेक्ट पराठे जो है कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले मैदे का आटा, एक बाउल मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर इसी के हिसाब से आधा बाउल जो है हमें गेहूं का आटा लेना है, तो यहाँ पर मैंने आधा बाउल जो है गेहूं का आटा ले लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मुट्ठी जो सूजी है वो लेनी है, तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है, बस नमक जो है टेस्ट के हिसाब से ले लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, तो इसके साथ यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा धनिया। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी को ऐड करेंगे और साथ में एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो, जैसे कि हम पूरन पोली बनाते हैं उस तरह से हमें डो को तैयार करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल मैं भूल गई थी तो फिर मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो अब डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आटा अच्छे से गूंदे, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट वाला आटा है। तो इस आटे को अब हम हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह इस आटे को रख देंगे साइड में, तकरीबन हम इसको इस आटे को 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं इसको निकाल दूँगी इसमें, और ये छोड़ना है रेस्ट करने के लिए। जब अच्छे से रेस्ट हो जाए, तकरीबन 2 घंटे हो जाए, तो हम इसके बना लेंगे पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू के पराठे बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आलू को पहले से उबाल लिया है। तो अब हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। इसमें डाल दिया मैंने यहाँ पर राई और कड़ी पत्ता, इसके साथ में प्याज भी डाल दी है। प्याज को हमें सॉफ्ट कर लेना है अच्छे से,
और जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगी ना तो हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी जो प्याज़ है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे हम सारे जो मसाले हमने निकाल के रखे हैं वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया। तो यहाँ पर धनिया मैंने काट के रखा था, तो धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐड करने के बाद। फिर इसमें डालेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला, साथ में इसमें डालेंगे हल्दी और इसी के साथ जाएगा नमक एक चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, और इसी के साथ जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए पकने के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो आलू हैं उनको छील लेंगे, जो उबले हुए आलू हैं, तो जल्दी से इनको छील कर फिर हमें मिक्स कर देना है उस मसाले में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे आलू मैंने छील लिए हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं सारे जो आलू हमने छील के रखे हैं। इस तरह से मैश करते हुए डालना है, और अगर आपको ये मैश करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जैसे मुझे यहाँ पर हो रही है, तो आप इस तरह से मैशर लेकर मैश भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने जो हमारा मैशर है उसको लेकर अच्छे से मैश कर दिया, बाकी जो मसाला था वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, फिर मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पर अभी मैं आई हूँ अजमा का, मतलब अजमा का यूनिफॉर्म पहन रही थी वो, उसको अच्छे से पहनाना था, आज उसका एग्ज़ाम है तो सारी चीज़ें उसको अच्छे से रेडी करके भेजना था। तो यहाँ पर मैंने उसका यूनिफॉर्म पहन लिया था, उसने बस यहाँ पर बेल्ट डालना था, तो उसने कहा कि मैं खुद ही डाल दूँगी। फिर लास्ट में वो मेरे पास ही आई, फिर मैंने उसको बेल्ट जो है पहना दिया और उसके बाल बना रही हूँ। और आज अजमा नहा कर नहीं जा रही है, आने के बाद वो नहा लेगी, संडे है तो आने के बाद ही वो नहा लेगी। तो यहाँ पर उसके जो बाल है ना, वो आज जैसे मैं बना रही हूँ, कोई मतलब अगर आपके बच्चे कोई भी हो स्पोर्ट्स में मतलब हिस्सा लेते हैं, या फिर स्पोर्ट्स उनका स्कूल में चलता है, इस तरह से अजमा का जब भी टूर्नामेंट हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ भी हो, तो मैं अजमा को प्रिफर करती हूँ कि यही चोटियाँ डालूँ। तो जब मैं ये चोटियाँ पूरे अच्छे से बनेंगी तो आप देखना, ये काफ़ी सुंदर भी लगती है, खूबसूरत भी लगता है, और ये जो है आपके बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी स्पोर्ट्स जब वो खेलेगी, कुछ भी उसका एक्टिविटी होगा स्पोर्ट्स का, वो करने के टाइम पे उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो आप देखिएगा आगे। देखिए फ्रेंड्स, अजमा के आज की ये जो चोटियाँ हैं, अजमा हमेशा टूर्नामेंट में इसी तरह से रेडी होती है, नीचे झुक रहा, तो इस तरह से पीछे से मैंने इसकी 2 चोटियाँ बनाकर फिर उसको एक कर दिया, बिकॉज वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी, बार बार सामने नहीं आएंगी। तो जल्दी से छोड़ कर आते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा को मैं छोड़ आई थी, इसके बाद यहाँ पर मैं अपने किचन में सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ कर गई थी। जैसे ही मैंने मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली तो फिर अजमा का भी टाइम हो रहा था, तो इस वजह से उसको पहले छोड़ कर आई हूँ रेडी करके। बस अब यहाँ पर जो बचे कुछ बर्तन थे, जो काउंटर टॉप है, वो सारा ऐसे ही छोड़ कर गई थी, तो अब इनको धुल रही हूँ। और इस टाइम पर ना मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा अब इस हालत को बार बार रिपीट करने से अच्छा है मैं खुद अपने चीज़ों को मेंटेन करूँगी, हर चीज़ को मैंने सोचा कि बार बार रिपीट करने से अच्छा है मैं उस चीज़ को भूल ही जाती हूँ, उस दर्द को भूल ही जाती हूँ। तो मैंने ना ही आप लोगों से बताया, ना ही मैं खुद भी उस चीज़ को याद कर रही थी, बट फिर भी वो बार बार वो रिपीट हो ही जा रही थी। तो फिर भी यहाँ पर अभी इस टाइम पर मैं अब काम करने लगी हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आटा आप देख सकते हैं काफी पतला सा मैंने बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम पूरन पोली बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें बनाना है, उसी तरह से हमारी जो स्टफिंग है वो भरनी है। लेकिन बेलना मुझे जैसे पूरन पोली बनाते हैं उसी तरह से मैं बेलती हूँ, बिकॉज मुझे ना सूखे आटे से बेलना नहीं जमता है मुझसे, तो मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ। और इससे ना क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं वो काफ़ी पतले से बन जाएंगे और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जैसे भी। बस यहाँ पर बेल लिया था, तो इसी तरह से अब सेक भी लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पराठे जो है तैयार हो गए हैं। चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने नारियल की चटनी ली है, बनाई है, तो उसी के साथ सर्व करें तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा जिस एग्ज़ाम के लिए गई थी कराटे में, उसको जो नेक्स्ट लेवल का होता है बेल्ट, वो मिल चुका है। तो यहाँ पर अजमा का पहला जो बेल्ट था वो येलो था, अब येलो वन मिल गया। तो अजमा को येलो था उसका बेल्ट, अब उसको येलो वन मिल गया। इसके बाद शायद येलो टू रहेगा, उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ये सब कुछ रहेंगे, लास्ट में उसका ब्लैक बेल्ट होगा। तो अब फिलहाल ये आई गेस फोर्थ बेल्ट है ना, वाइट, रेड, येलो वन एंड येलो, हाँ ये फोर्थ बेल्ट है उसका। तो इसके बाद और भी होंगे इंशाल्लाह से। तो बस अभी उसको ये मिल चुका है, तो अब यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है उसको, वो प्रमोट हो चुकी है येलो वन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा जो है चॉकलेट खा रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी येलो बेल्ट मिल गया, इस वजह से चॉकलेट भी तेरे हाथ में है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शर्मा गई। बस यहाँ पर अजमा के पापा इस तरह से मस्ती करते हैं, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, बट मैं यहाँ पर कैमरा ऑन मैंने रखा था, तो मैंने बोला कि इस क्लिप को मैं काटूंगी नहीं, ये क्लिप आपको देखनी पड़ेगी, दिखाऊंगी मैं सबको। तो बस उसी तरह से हमारी मस्ती चलती है, बाप बेटी की मस्ती देखिए मेरे साथ में, इसी तरह से ये दोनों करते हैं। बस यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बैठी थी, आपके साथ एक्सप्लेन कर रही थी, तो ये दोनों आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसी तरह से ये दोनों करते हैं। क्या भी कटने होता है इसके अंदर, सब डाल दो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ अजमा के क्लिप शेयर किए हैं, जो कि अजमा ने अपनी क्लास में अटेंड किया है और जो एग्ज़ाम उसका था वो कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट लेवल के लिए वो प्रमोट हो गई है। तो मुझे लगा कि उसके दादा, नाना, नानी वहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं मेरे व्लॉग्स, तो इसमें वो देखेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, इस वजह से मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर ना एज़ यूजल मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो फिर से स्टार्ट हो गया, तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं स्टार्ट होकर, लेकिन मैंने व्लॉग्स में नहीं बताया था, क्योंकि बार बार वही चीज़ आपको मैं बार बार ब्लॉग में बताऊंगी तो आप लोग भी बोर हो रहे हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वही चीज़ को बार बार दोहराना। तो बस यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर मेरा जो छोटी सी पोटली है वो लेकर बैठी हूँ, यानी कि जो हॉट बैग होती है उसी तरह की छोटी सी बैग है, जिसमें मैं हमेशा ठंडा पानी रखती हूँ फ्रिज में, और हमेशा रखती हूँ जब भी मुझे कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है, तो मुझे मेरे आँखों में कुछ ठंडा ऐसा फील होता है कि ठंडा कुछ रखूँ, तो इस वजह से मैं आँखों को लगाती हूँ, या फिर मेरी जो नेक पेन होता है मेरा वहाँ पर रखती हूँ, तो बहुत रिलैक्स फील होता है, इस वजह से मैं इस बैग को यूज़ करती हूँ। काफ़ी छोटी सी, बहुत अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।